हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गरिमा शर्मा एंड वेलकम टू माई ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को हिंदी में कहते हैं हम व्यतिकरण। व्यतिकरण इंटरफेरेंस, सबसे पहले डेफिनेशन हम देखेंगे, परिभाषा क्या होती है इसकी। जनरली हमें ये कहा जाता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव्स मिल रही है उसको हम इंटरफेरेंस कह रहे हैं। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें जो है वो ये है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू और मोर वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। मीन्स जब दो या दो से अधिक तरंगों का अध्यारोपण होता है तो प्रकाश की तीव्रता का असमान रूप से वितरित होना व्यतिकरण कहलाता है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर, हम इस चीज़ को देखते हैं। इन लाइनों में ये कहा जा रहा है कि अगर इंटरफेरेंस हुआ है, मीन्स दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स अगर मिल रही है, या हम लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं, तो अगर दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स मिलती है तो उस कंडीशन में एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटेंसिटी का। लाइट की जो इंटेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मतलब असमान रूप से वितरित हो जाएगी, मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा इस टाइप से। तो जब ये वाली चीज़ का कंसेप्ट आता है कि इंटरफेरेंस हो रहा है या दो वेव्स या ज़्यादा वेव्स मिल रही है, तो उस समय इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपको इंटरफेरेंस के बारे में बता रहा है। तो इसके अंदर हम जो चीज़ मेन देखेंगे वो ये कि इंटरफेरेंस कितने टाइप से हो रहा है। इंटरफेरेंस हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि दो या दो से ज़्यादा वेव्स मिलेगी। सेकंड चीज़ ये क्लियर हुई है कि इसका इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, मीन्स तीव्रता जो है प्रकाश की तीव्रता उस पर इसका इफ़ेक्ट होना है। तो इसी वजह से हमारे पास में दो टाइप्स के इंटरफेरेंस या व्यतिकरण होते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमें यही दोनों समझने हैं कि टाइप्स क्या होते हैं इंटरफेरेंस के और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों का ये हमसे शॉर्ट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये हमें बेसिक नॉलेज है, ये हमें पता होना चाहिए इंटरफेरेंस के बारे में। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस है, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हिंदी में कहते हैं इसे संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव, नाम से लिखता है कंस्ट्रक्टिव, मीन्स कुछ कंस्ट्रक्ट होना है, बनना है यहाँ पे। और डिस्ट्रक्टिव में हम बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग होता है कुछ कम होना, डिक्रीज होना, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे कुछ चीज़ बनेगी, तो यहाँ पे हम जब बात ही इंटेंसिटी कर रहे हैं, तीव्रता की कर रहे हैं, चेंज इंटेंसिटी में आना है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन में हम बात किसकी करेंगे, इंटेंसिटी के इंक्रीज होने की बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव, मतलब विनाश होना है, डिक्रीज होना है, तो वो भी किस चीज़ के लिए होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए ही होगा। तो अगर हम इन दोनों की डेफिनेशन देखें तो ये किस चीज़ को डिफाइन कर रही है या कैसे बता रही है कि जब आप बात कर रहे हैं दो वेव्स की, तो दो वेव्स में जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से ही मिलता है, और ये कहें कि एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से मिलता है, तो उस केस में इंटेंसिटी तीव्रता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कंस्ट्रक्ट हो रही है, और तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण। इसमें हम हिंदी में कहें तो एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से मिलता है, या एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के गर्त से मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि तीव्रता बढ़ेगी, परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो उसको हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और इसी का जस्ट ऑपोजिट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण में होगा कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिलता है, तो उस केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी और इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। हिंदी में कहें तो एक तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरी तरंग के गर्त से मिलेगा,
जिसके कारण तीव्रता जो है वो घट जाती है, जिसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये तो हो गया दोनों का थ्योरेटिकल डिफरेंस, लेकिन हम इसी चीज़ को अगर डायग्रामेटिकली समझें तो किस टाइप से दिया जाएगा वो हमारे नेक्स्ट पेज में है। अब यहाँ देखिएगा, दोनों का हम डिफरेंस देख रहे हैं डायग्रामेटिकली, कि डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमने थ्योरी लिखी है वो क्या कहना चाह रही है। तो कैसे दिखा रहे हैं हम इसके अंदर, कंस्ट्रक्टिंग की हम पहले बात करते हैं। एक वेव ली है हमने, हमने क्या कहा था, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से मिलना है और ट्रफ ट्रफ से मिलना है। तो ये एक फर्स्ट वेव हो गई। सेकेंड वेव जो आई है हमारी, उसमें आप देखिएगा, एक हमने ग्रीन कलर की वेव ली है, एक हमने येलो कलर की वेव ली है। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, उसका अपर पार्ट, वेव का जो अपर पार्ट है वो उसके ऊपर ग्रीन के अपर पार्ट से ही मिला येलो का, और नीचे वाला जो पार्ट है वो ग्रीन का येलो से नीचे वाले पार्ट से मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब क्रेस्ट से क्रेस्ट का मिलना, ट्रफ से ट्रफ का मिलना। तो ऐसे अगर आप बहुत सारी वेव्स को मिक्स कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी वेव की जो एम्पलीट्यूड है, हाइट है, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं आपके, कि इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। रिजल्टेड इंटेंसिटी जो होगी वेव की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका मतलब आपने उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है या बनाया है, इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया है हमने। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें तो क्या होगा, हमारे पास एक वेव आई है, फर्स्ट वेव ग्रीन वाली, येलो वाली वेव आई। तो अब देखिएगा ग्रीन और येलो वेव में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे ग्रीन वाली जो वेव थी हमारी, वो येलो वाली वेव के ऑपोजिट मिली है। मीन्स एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जब दोनों मिक्स हो जाएगी तो उस केस में जो अभी एम्पलीट्यूड हमें दिख रहा है वो ना रह के डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ऐसा केस होगा, यानी ऑपोजिट मिलेगा, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है, तो उस केस में हमें इंटेंसिटी डिक्रीज होती हुई मिलेगी। तो ये दोनों का डायग्रामेटिकली डिफरेंस है। तो कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, जो यहाँ पे दिखा रखी है, एक वेव के ऊपर दूसरी वेव का आना, और डिस्ट्रक्टिव में एक क्रेस्ट, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिल रहा है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों क्या बताए जा रहे हैं यहाँ पे, डायग्रामेटिकली डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले हमने देखा था बेसिक इंटरफेरेंस क्या होता है। अब हमारा जो इंटरफेरेंस का नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंटरफेरेंस की जो स्टडी की थी, उसके बेस पे ये नाम रखा गया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस नाम में जो मेन चीज़ है वो हमारा डबल स्लिट है। पहली चीज़, स्लिट क्या होता है, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि स्लिट क्या चीज़ है, स्लिट किसे कहा जा रहा है। स्लिट बेसिकली एक आप विंडो कह सकते हैं, खिड़की टाइप का स्पेस है, जगह है, जहाँ से लाइट पास होनी है। तो ये कब यूज़ कर रहे हैं हम, जब हम सोर्स मोनोक्रोमेटिक ले रहे हैं, उस केस में हम स्लिट लगाते हैं, ताकि लाइट जो है वो एक नैरो विंडो से पास हो सके। ये यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। नाम में दिख रहा है डबल स्लिट, मतलब आपने दो स्लिट का यहाँ पे यूज़ किया है। अब दो स्लिट के यूज़ से हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, कि यंग ने सबसे पहले 1801 के अंदर इंटरफेरेंस का कंसेप्ट स्टडी किया था, जिसके अंदर दो स्लिट्स को यूज़ करते हुए, दो स्लिट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दो स्लिट्स को यूज़ करते हुए इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी किया था। अब वो चीज़ कैसे की थी हमें यहाँ पे वो देखना है। तो उसको हम देखने के लिए यहाँ पे डायग्राम है, उस चीज़ की स्टडी करेंगे। डायग्राम क्या कहता है हमारे पास में, ये डायग्राम पैटर्न दिया हुआ है हमें, जिसके अंदर हम यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट सेटअप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिया है यहाँ पे, एस एक सोर्स लिया। एस किस टाइप का सोर्स है यहाँ पे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब ये मोनोक्रोमेटिक वर्ड क्या होता है, नाम में अगर हम देखें तो ये मोनोक्रोमेटिक चीज़ क्या है,
मोनोक्रोमेटिक वर्ड का मतलब होता है एक वर्णीय, मीन्स सिंगल वेवलेंथ। तो आपको एक ऐसा सोर्स लेना है जिसमें आप सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो। तो हम ग्रेजुएशन लेवल पे जो जनरली यूज करते हैं सोर्स, वो होता है सोडियम लैंप, सभी यूज करते हैं। और अगर आप एमएससी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे लेजर लाइट यूज की जाती है एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो बेसिक हम जो यूज करते हैं वो सोडियम लैंप ही होता है हमारा। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहाँ पे एस लिया गया है। उसके बाद आपको दिख रहा है रेड वेव्स दिख रही है, फिर डैश 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 लाइन्स दिख रही है, ये सब क्या है? ये है स्फेरिकल वेव्स। आपने कभी देखा होगा जब आप पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तब क्या होता है, सर्कुलर 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 वेव्स बन जाती है, ठीक है? तो वो क्या है, एक टाइप की स्फेरिकल वेव्स है हमारी। तो उस टाइप की यहाँ पे वेव्स क्या हुई है, जनरेट हुई है एस सोर्स से। ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब उस अगर हम यहाँ पे सिंगल डायरेक्टली एस सोर्स जो आपने लिया है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, उससे आप लाइट को सीधा स्क्रीन के ऊपर डाल दें, ठीक है, सीधा अगर आप लास्ट में जो लाइन बनी हुई है वो स्क्रीन को शो कर रही है, अगर आप डायरेक्ट ही स्क्रीन पर डाल दें, तो उस केस में क्या होगा, हमारा पैटर्न जो है वो बहुत वाइड रेंज का हो गया, मतलब आपके पास बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, सोर्स को नैरो करना है, यानी पतला करना है, लाइट जो है हमें वो पतली जगह से पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने देखिएगा दो स्लिट्स यूज़ की है S1 और S2। स्लिट्स लगाइए मीन्स विंडो, विंडो आप इसे कह सकते हैं। तो इस जगह पे हम यहाँ पे S1 और S2 क्या कर रहे हैं, दो विंडोज़ लगा रहे हैं, दो विंडोज़ कह सकते हैं आप, खिड़कियाँ लगा रहे हैं जहाँ से लाइट को पास होना है। तो आपका सोर्स क्या हो गया, नैरो हो गया। अब आपने क्योंकि यहाँ पे दो सोर्स लिए, दो सोर्स लेने का क्या कारण है, दो सोर्स आपने लिए है कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए। कोहेरेंट वर्ड क्या होता है, कोहेरेंट वर्ड का मतलब होता है, इसको हिंदी में सुसंगत या संबंध भी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक जैसे दो सोर्स ले रहे हैं जिसमें सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रिक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स जनरेट हो रही हो, ऐसी आपने दो सोर्स लिए हैं। तो जब इन दो सोर्स S1 और S2 से जो लाइट है पास होगी, तो वो वापस क्या होगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट में ही होगी। ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्फेरिकल वेव जो जनरेट हुई है S1 से भी होगी और S2 से भी होगी। तो यहाँ पे जो रेड सॉलिड लाइन दिखाई जा रही है वो क्रेस्ट वेव का जो क्रेस्ट पार्ट है उसको शो करती है, और जो डैश 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 लाइन आप शो कर रहे हैं वो डैश लाइन आपकी ट्रफ को शो करती है वेव की। तो S1 से जो वेव निकली है और S2 से जो वेव निकली है, तो उन दोनों का जब रेड से रेड वाली लाइन मिल रही हो, मीन्स क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा हो, या डैश वाली लाइन से डैश वाली लाइन आपको जब मिल रही हो, उस केस में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उस केस में हमारे पास में जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वो मिल रहा होगा हमें यहाँ पे। वो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेड से रेड मिला है तो हमारे पास में जो इंटरफेरेंस हुआ है वो कौन सा हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया, मीन्स आपको ब्राइट बी जो हमने लिखा है वो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ये आप दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इसी का जस्ट ऑपोजिट देखें हम, क्या जब रेड से ग्रीन वाली लाइन या डैश वाली लाइन जब मिलती है, मीन्स क्रेस्ट से ट्रफ जब मिलता है, तो उस कंडीशन में हमें डार्क फ्रिंजेस मिल रही है। तो यंग्स डबल स्लिट में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप S1 और S2 दो सोर्स ले लेते हैं जो कोहेरेंट सोर्स बने हैं मोनोक्रोमेटिक एस सोर्स से, तो हमें दोनों वेव्स जो जनरेट हुई है उनके अगर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले या ट्रफ से ट्रफ मिले, तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है, या इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब हमारा एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिल रहा होगा, तो उस टाइम पे हमारी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और हमें एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो इस टाइप का हमें पैटर्न मिलता है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट, इस टाइप के आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ये यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो यंग्स डबल स्लिट में हमें सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है कि कैसे डबल स्लिट का यूज़ करते हुए इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।